यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर मास 9m एंड अ स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस आर बाय 3 इज रिमूव्ड. व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. आपके पास ये एक डिस्क थी, इसका मास है 9m, इसकी रेडियस है r, इसमें से एक r बाय 3 रेडियस की डिस्क कट कर दी, तो इस O पॉइंट के अबाउट ये हट गया है. अब आपके पास इस O पॉइंट के अबाउट बचे हुए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है. करने का क्या तरीका है, तरीका बताता हूँ. पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे. ये एक्सिस क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, आपकी फेस की तरफ आ रही है डिस्क, ऐसे रोटेट करेगी या ऐसे रोटेट करेगी, ठीक है. तो पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट माइनस इस वाली डिस्क का जो आपने कट कर दिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आ जाएगा. ये तरीका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए आपको. तो देखो, पहले पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैंने लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग डिस्क अबाउट ओ इज इक्वल्स टू रिमेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिगर डिस्क, ये बिगर डिस्क है, अबाउट ओ माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉलर डिस्क अबाउट ओ. तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिगर डिस्क निकाल लेते हैं. तो पूरी डिस्क है, मास है 9m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का होता है एम आर स्क्वायर बाय 2. तो m, तो इस m की जगह आ जाएगा 9m क्योंकि इसका मास 9m है, रेडियस r है अपॉन 2, 9/2 एम आर स्क्वायर आई बी ओ आ गया. स्मॉलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्मॉलर डिस्क की रेडियस पता है लेकिन स्मॉलर डिस्क का मास नहीं दिया है, तो पाई, इसका पूरी डिस्क का एरिया कितना है, पूरी डिस्क का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर. तो पाई आर स्क्वायर एरिया का मास कितना है, 9m. तो यूनिट एरिया का मास क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर नीचे चला जाएगा, 9m बाय पाई आर स्क्वायर. तो यूनिट एरिया का मास ये है, अगर यूनिट एरिया का मास ये है तो इतने एरिया का मास कितना होगा, 9m बाय पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 9, क्योंकि r बाय 3 है तो स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर बाय 9 आ जाएगा. तो 9m, 9 से 9 कैंसिल होगा, पाई आर स्क्वायर से पाई आर कैंसिल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मास आएगा सिर्फ m और पूरी डिस्क का मास है 9m, ठीक है. अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, आई एस ओ. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, इसके सेंटर के अबाउट तो कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाय 2. तो m इसकी रेडियस का स्क्वायर बाय 2, इस एक्सिस के अबाउट तो आ गया लेकिन मुझे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए. तो अगर मुझे ओ वाली एक्सिस के अबाउट चाहिए तो मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी. यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम में आपको क्या चाहिए, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको सी मान लेता हूँ मैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ विल बी इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी प्लस मास ऑफ दिस डिस्क इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस. तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों एक्सिस के बीच में ये है, ये 2r/3 है ना, क्योंकि ये r/3 है, सॉरी ये r/3 है, तो बचा हुआ 2r/3 होगा ना. तो बस मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है. तो आई एस ओ हो जाएगा मेरा हाफ एम आर स्क्वायर इस एक्सिस के अबाउट है ना, प्लस m दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज 2r/3 का स्क्वायर. तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ ऑफ स्मॉलर डिस्क. सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करने पे ये हो जाएगा हमारा एम आर स्क्वायर बाय 9 2 18, और इधर आ जाएगा एम 4r/3 3 9, ठीक है. अब ये वाली वैल्यू जो है, इसकी जो वैल्यू है हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं. तो आई बी ओ की जगह लिख देंगे 9/2 एम आर स्क्वायर, आई एस ओ की जगह लिख देंगे ये वाली वैल्यू जो हमने यहाँ से लिखी है. मैंने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया, ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, ये मेरा लग गया ब्रैकेट,
ठीक है, तो ये ISO की वैल्यू हो गई, यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देंगे ये वाली वैल्यू, और इसको फिर हम सॉल्व कर लेते हैं 9/2 mR², और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।